काम कर दीजिए। ये भी ठीक है, ये वाला तो ठीक लग रहा है। एक पीस वो वाला ले लेते हैं। और वो खुशबू लगा रहा है ना, इसलिए बोल रहे। रुक हो गया, लाटो को दे दो, लोटो पी लो। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। फ्राइडे से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। यूसुफ को नमाज के लिए भेज तो दी थी, लेकिन वापसी के वक्त कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी से बेहाल था। और फिर मैं लंच की, सिंपल सा जो डेली का लंच रहता मेरा वो की, और फिर शाम में जो है मैं ये रोस्टेड चना बादाम और इसके साथ ही कॉर्नफ्लेक्स भी वो लोग देते हैं, भुट्टे का बना हुआ छोटा छोटा चिप्स होता है, तो ये सब मैं थोड़ा थोड़ा करके खा रही हूँ आजकल क्योंकि मुझे भूख लगती है काफ़ी ज़्यादा। और शाम में मुझे ना आदत है कि चाय के साथ अच्छा हेवी सा नाश्ता करती थी मैं, कुछ भी हेवी, समोसा हो या फिर कुछ भी इस तरह का एग रोल हो या फिर चाट वगैरह। तो अभी मैं सब कुछ स्किप कर दी हूँ, तो थोड़ा सा कोशिश करने से ये हो गया है कि शाम में अब मुझे बहुत ज़्यादा वैसी वाली भूख नहीं लगती है। हल्के फुल्के चीज़ों से मैं मेरा जो स्टमक है वो सेटिस्फाई हो जाता है। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और मैं ना फ्राइडे को बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, तो फ्राइडे और सैटरडे दोनों का कम्बाइंड व्लॉग जो है आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और चाय जो है ये तो मुझे दोनों ही टाइम चाहिए होती है, सुबह में भी और शाम में भी, तो नाश्ता के बाद एक बार पी रही हूँ। हालांकि अभी मैं थोड़ा डाइट पे हूँ या जो फूड को लेकर के अपनी थोड़ी कंसर्न हो गई हूँ, इसके बावजूद दो टाइम चाय जो है ये मेरी बिल्कुल नेसेसरी है। तो अभी यहाँ पे वो भी चाय भी थोड़ी अच्छी कड़क सी होनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चायपत्ती थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी पत्ती जो है इसमें और डाल दी है। और यहाँ पे चाय मेरी तैयार हो गई थी। और चाय पीने के बाद ना मगरिब की नमाज़ के बाद मैं थोड़ा गई थी मेडिकल के तरफ, मुझे जाना था और कुछ मेडिसिन लेने थे। तो अभी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ ना कि स्कूटी खुद से चला करके जाऊँ आसपास के जगहों पे, तो वही मैं मेडिसिन लेने गई थी। और इसके बाद ये जो है मैं फिर से आपके साथ शेयर करूँ कि मुझे रात में फिर से क्रेविंग हो रही थी, भूख लग रही थी, तो मैं फिर से यही जो रोस्टेड चीज़ें हैं खा रही थी थोड़ी थोड़ी सी। और इसके बाद सीधा मैं आपके साथ सैटरडे का क्लिप शेयर कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हो कि मेरा वेट जो है 68.4 आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 kg वेट मेरा कम हो गया। हालांकि मैं कोई ख़ास एफर्ट नहीं की हूँ अभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े से पोशन कंट्रोल से ही मेरा वेट जो है कम हुआ है। और यहाँ पर नाश्ता मैं आज पराठा बना था, तो एक पराठा ली, थोड़ी सी सब्ज़ी और थोड़ा सा पराठा यूसुफ छोड़ दिया था तो वो भी ली थी, और थोड़ी सी जो है ना स्वीट्स लेती हूँ सुबह में। अगर सारे लोग स्वीट्स खाते हैं तो स्वीट क्रेविंग होती है। फिर चाय पी थी और उसके बाद लंच में आज बना था दाल राइस और ये सब्ज़ी आलू और कुंदरू की सब्ज़ी थी। और साथ ही ना ये मेरी भाभी के घर से आया था आम का मीठा अचार, और ये थोड़ा सा मैं ली थी बट ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी माशाल्लाह। और इसके साथ ही आज मुझे ना खाने के बाद, मतलब खाने के टाइम पे ही कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, लस्सी वगैरह, तो मैं दही में थोड़ा सा शुगर ऐड करके ले ली थी। और उसके बाद मैं आई हुई हूँ साक्षी मार्केट, यहाँ पे मुझे गिफ्ट्स लेने हैं बच्चों के लिए। मेरी फ्रेंड आ रही है तो उसके बच्चों के लिए यहाँ पे मैं आई हूँ टॉयज लेने। ये भी ये वाला तो ठीक लग रहा है, एक पीस वो वाला ले लेते हैं। और एक ये डॉल हाउस दिखाइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ है, और इतना ज़्यादा अच्छा इसलिए नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना होलसेल रेट पे मिलता है, तो चीज़ों को बहुत रफली ये लोग रखते हैं, बट काफ़ी सही प्राइस में जो है यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो लेने के बाद जो है गिफ्ट्स मैंने ले लिया है, घर पर जा करके उन्हें पैक करवाऊँगी। और अभी तो बस मैं घर की तरफ निकल रही हूँ, ये देखिए गिफ्ट्स मेरे हाथों में है। और ये शॉप जो है ना काफ़ी अंदर संजय मार्केट के साइड में आई थिंक था। अभी हम लोग जो जा रहे हैं ना, ये गुरुद्वारा जो साक्षी गुरुद्वारा है ना उस तरफ से जा रहे हैं, तो उसके बाद मैं आपको घर पे जाकर के ही आपसे बात करती हूँ। एंड गाइस, यहाँ पे एक ना गोलगप्पे वाली जो है एक बच्ची है जो गोलगप्पे का स्टॉल लगाती है, अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ इस पर, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ।
और यहाँ पे देखेंगे मैं फिर से जो है भूंजा जो रहता है ना दाल और चना बादाम और गठिया ये सारी चीज़ें, तो ये अभी मेरा जो है ऑल टाइम फेवरेट बना हुआ है। मुझे जब भी भूख लगती तो मैं इसे कंज्यूम करती हूँ, ये ज़्यादा जो है कैलोरी वाला नहीं है। साथ ही आज शाम में मेरी बहन जो भाभी जो है छोटी वाली, उनकी बहन आ गई थी तो घर पे तो कुछ खास था नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह था तो वही मैं उन्हें सर्व कर रही थी, और बाकी के लोग जो हैं वो थोड़े बाहर गए हुए थे, जैसे कि मम्मी पापा और भाई बहन सारे ही लोग लगभग बाहर गए हुए थे। घर पे मैं और बड़ी अम्मी थी, तो वो भाभी की बहन को मैंने ये हल्का फुल्का सा दे दिया नाश्ता। उसके बाद मैं कल मेरे घर जो है मेहमान आने वाले हैं, मेरी दोस्त आने वाली है, तो उसके बारे में इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपके साथ बता दूँगी। तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, मसाला पीस के रख रही थी, और यहाँ पर जो है ना भाभी की बहन अपने साथ बर्गर भी ले आई थी, और जब पापा अम्मी और भाई ये लोग आए तो ये लोग जो है चिकन रोल और कुल्फ़ी ले आए थे। तो हम सारे लोग मिल करके बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये सारा कुछ इन्जॉय किए। और ये जो कुल्फ़ी है ना, रमेश कुल्फ़ी जो सांची की बहुत पुरानी और फेमस कुल्फ़ी है वो है, और इसे हम लोग पार्सल करके मंगवाए थे घर पर ही। तो ये देखिए, इसे जो है ना इसमें फालूदा रहता है और कुल्फ़ी रहती है, ये जो सेव जैसा कुछ रहता है फालूदा टाइप। और इसके बाद ये जो आप इसका मोल्ड देख रहे हो ना, कुल्फ़ी का मोल्ड, ये उन्होंने 20 रुपीज़ बैलेंस रख करके दिया। अगर आप पार्सल लेते हो ना तो 20 रुपीज़ फॉर ईच कुल्फ़ी आपको वो एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आप उनका मोल्ड जो ये प्लास्टिक का कवर है आप उसे रिटर्न करते हो तो आपका वो 20 रुपीज़ जो है वो वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी इस फालूदा कुल्फ़ी को एंजॉय करने वाले हैं। मुझे तो ये फालूदा कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पसंद है कि नहीं ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये थोड़ी बाहर वाली खाने, जो भी रिच फूड था जो भी आउटसाइड का, ये खाने के बाद ना मुझे काफ़ी ज़्यादा हेवी फील हो रहा था, क्योंकि कम खा खा करके आदत हो गई थी, तो आज के रात का जो डाइट है ना वो मेरा तो गड़बड़ हो गया। खैर कोई नहीं, चलता रहता है। उसके बाद ना यहाँ पे मैं रात में सब्ज़ी बनाई और रोटी बना रही थी। अभी मेरी शिफ्टिंग थोड़ी चेंज हुई है, मतलब कि कुकिंग वाली, तो मैं डिनर बना रही हूँ आजकल। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना रही थी, बहुत सारे लोगों का तो पेट भर गया था बाहर की चीज़ें खा करके, और जिन लोगों को खाना था उनके लिए थोड़ी सी रोटी मैंने बना दी है। और आप लोगों को लगता होगा कि शिफ्टिंग चेंज हो गया, ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि मैं कोई सिलिकन वैली में अमेरिका में जॉब कर रही हूँ, तो घर का काम भी किसी जॉब से कम नहीं होता है गाइस। और इसके बाद ये देखिए मेरा मसाला जो है वो पिस गया है, और इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि कल दिन में मुझे जो है स्पेशल खाना बनाना है, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन कर ली हूँ। साथ ही जो मेरी दोस्त के बच्चे आने वाले हैं उनके लिए ये टॉयज जो लेकर के आई थी ना, ये एक डॉल हाउस है और रिमोट ट्रेन इस तरह की कुछ थी, तो इन चीज़ों को मेरी बहन जो है ना रैप कर दे रही है, क्योंकि इस तरह से पैक कर देने से बच्चों के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी आ जाती है कि कुछ सरप्राइज़ क्या है अंदर में। तो खैर इंशाल्लाह आपके साथ ना बहुत जल्दी या अपने नेक्स्ट व्लॉग में ही मैं शेयर कर दूंगी कि मेरी फ्रेंड कहाँ से आ रही है, और जो भी वो फ्रेंड आएगी वो उसका व्लॉग जो है इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दें। और आज का ब्लॉग मैं अब यहीं पे एंड करने वाली हूँ, आपसे मैं मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़। रात में ये मैं पनीर रोल जो था वो खा रही थी।